कुछ मूड नहीं है। आपने भी वही गवैयों के नखरे शुरू कर दिए। मूड नहीं है, आवाज बैठी है, गला सीला है। साहब हम तो आज ही सुनेंगे। बैठिए बैठिए, नीना जरा सिफारिश कर दो। गा दीजिए ना। क्या गाऊं? हम तो मोहब्बत का गीत सुनना चाहते हैं, चाहे वो दीपक हो, मल्हार हो, खमाज हो, ख्याल हो, मियाँ की तोड़ी हो, काल का बिंदा का तोड़ा हो, कुछ भी हो, अगर हो मोहब्बत का। चलिए बैठिए गाइए। निगाहें भी मिला करती हैं दिल भी, दिल से मिलता है मगर एक चाहने वाला, बड़ी मुश्किल से मिलता है। टूटे ना दिल, टूटे ना साथ हमारा, छूटे ना टूटे ना दिल, टूटे ना बल्लम, बल्लम। क्या है भैया? मेरा बाजा लाओ, आज मैं बाजार जाऊंगा। बल्लम असीर पन जाए है देश बाब कल के मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन, खराब करके मुझे हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। करूं पहली बात ये कि ये दिलीप कुमार नाम कैसे आपने अपनाया और क्यों अपनाया? हकीकत बताऊं? जी हाँ। ये पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा। पिटाई? हाँ। मेरे वालिद क़िबला मरहूम अल्लाह उनको बख्शे, वो फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे, और उनके अजीज दोस्त एक लाला बशीरनाथ थे जिनके साहेबजादे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्म एक्टिंग किया करते थे, और वो अक्सर बशीरनाथ जी से बड़े शिकायत करते थे कि तुमने ये क्या कर रखा है कि तुम्हारा इतना नौजवान और सेहतमंद लड़का देखो ये क्या काम करता है। तो मैं जब फिल्म में आया तो मुझे वो तनकीद और वो पठान आदमी से गुस्सावर तबीयत थी उनकी, खौफ भी था कि ये जब इनको मालूम होगा तो नाराज बहुत होंगे, और उस वक्त दो तीन नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या
दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए, तो मैंने अपनी जाती तौर से कहा कि यूसुफ खान मत रखिए और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए। तो बाद में कुछ कोई 2-3 महीने के बाद जब मैंने अपना खुद इश्तिहार में नाम देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम दिलीप कुमार तजवीज़ किया गया। और बेतहाशा फिल्में तैयार होती हैं इंडिया में और संभल कर खेलना दरिया से मौजों की रवानी में, जलेंगे दिल हजारों आग लग जाएगी पानी से। ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो, मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो। ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो, मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो। ना तूफान से खेलो। तुम्हें दिल पुकारे